calle. मैंने फखुर में रहना है कि हमको भगवान बाप पढ़ाते हैं, सब फिक्रों से किंदा प्यारा सदगुरु फारिग, तो फखुर आ जाना चाहिए ना। फखुर आना माना नशा चढ़ जाना। और भगवान की गीता, भगवान तो आकर की गीता ज्ञानामृत देते हैं, तो जो गीता ज्ञानामृत देते हैं वो गुरु लोग डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे शिष्यों के सामने? डायरेक्ट पढ़ेंगे तो शिष्यों के सामने उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग करते रहते हैं, अंदर से ताला लगा के पढ़ते हैं, चोर बाजारी करते हैं। हर बात को बेहद में नहीं लगाया जाता है, जो बेहद के साहूकार हैं, जिनकी बुद्धि बेहद में पहुंच गई है, वो बाप को याद करने में बुद्धि लगाएंगे, ये वार्तालाप में बुद्धि रमाएंगे। ज्ञान का लेन देन तभी तक है जब तक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनी है। जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि बनी है उनको तो जो पाना था सो पा लिया, मन बुद्धि की एकाग्रता से ही सारा कार्य संपन्न कर देंगे। और हम बच्चों बैठे हैं बेहद के बाप के सामने, इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हाँ जी, बाप इसलिए कहा जाए कि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी उसमें मौजूद है, और उस बेहद के मनुष्य के बाप का बाप माने डाडे शिव बाबा भी उसमें मौजूद है। इसलिए बाप डाडे इकट्ठे हो गए। और जब सतयुग शुरू होगा तो संगम का आखिरी चरण होगा ना, जब संगम का आखिरी चरण होगा 100 साल पूरे होने पर तो सब आत्माएं परमधाम वापस पहुंच जाएंगी, नए सिरे से आना शुरू हो जाएगा या पुरानी सृष्टि रहेगी?
क्या होगा है नई सृष्टि शुरू हो जाएगी तो ज्ञान सारा लोप हो जाता है जब तक तामसी सृष्टि है तभी तक ये ज्ञान है नई सृष्टि बनेगी तो ज्ञान की दरकार ही नहीं और प्रजापिता भी जैसे ब्राह्मण बनता है प्रजापिता बनता हाँ जी तो ब्रह्मा से ब्राह्मण बना हाँ जी लेकिन पहला पहला पीढ़ी पे कौन हुआ है पहला पहला पीढ़ी पे कौन हुआ ब्राह्मण बताया है ये नहीं बताया क्योंकि ब्राह्मण बनता ही तब है जब ब्रह्मा की औलाद है पहले अम्मा है बच्चे के सामने या पहले बाप है तो इसलिए ब्रह्मा कुमार पहले बनता है पहले ब्राह्मण बच्चा बड़ा होता है तो बाप का परिचय होता है समझदार बच्चे को बाप का परिचय होता है या बच्चा बुद्धि को होता है हैं? समझदार को बाप का परिचय होता है तो प्रजापिता ब्रह्मा ये टाइटल बाद में पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े ठीक है पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी और लड़ाई बाप कराने आता है क्या तो बाप तो दरकार ही नहीं पढ़ाई पूरी हुई तो पढ़ने वाले संपन्न बनेंगे या अधूरे रहेंगे संपन्न बनेंगे ब्रह्मा सो क्या बन जाएंगे है विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा तो ब्राह्मण सो भी विष्णु बनेंगे विष्णु को पढ़ाई की दरकार है विष्णु नई दुनिया में होगा या पुरानी दुनिया में होगा कि पुरानी दुनिया के बीच बनी हुई नई दुनिया में होगा नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं उसको कहते हैं संगम युग स्वर्णिम संगम युग और पहला पहला पीढ़ी के भी वो ही जो पहला ब्राह्मण जो पहला ब्राह्मण बिना अम्मा कुमार बने कोई बप्पा कुमार बन पाता है अम्मा की पहचान जिसको नहीं हुई वो बाप की पहचान कर लेगा और विधान पालिका का मतलब है कानून बनाती है सिर्फ कानून का पालन करना ये विधान पालिका के हाथ में नहीं है कानून को पालन कराने का काम कार्यपालिका का है वो कानून को कार्य में लाती है और न्यायपालिका न्याय करेगी ये कानून को मानने वाला है या नहीं है कार्य करने वाली पब्लिक होती है
या विधान बनाने वाले होते हैं। प्रैक्टिकल में लाने वाले बड़े आदमी नहीं होते हैं। जो प्रैक्टिकल में लाने वाले हैं वो साधारण पब्लिक होती है। न्यायपालिका के लोग ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं, जज कहे जाते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं। विधान बनाने वाले, विधान परिषद में बैठने वाले बड़े बड़े मंत्री कहे जाते हैं। एमएलए और एमए, एमपी, ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं जो कार्यपालिका को भी चलाते हैं। न्यायपालिका को भी प्रभावित कर देते हैं। परंतु ये सब कलयुग की दुनिया में होता है, नई दुनिया में ये कोई बातें नहीं होती हैं। जो ज्ञान का सार है वो ही भक्ति का सार है, वो वैराग का सार है। वैराग का सार भी है बिंदु, और ज्ञान का सार भी है बिंदु। भक्ति का सार होता ही नहीं, भक्ति तो सदैव विस्तार में ले जाने वाली होती है। दिया जो अज्ञानी होते हैं वो वर्ल्ड मदर का टाइटल देते हैं। आज की दुनिया में कोई जानता ही नहीं है कि वर्ल्ड मदर का टाइटल वास्तव में किसका है। पहले जानकारी वर्ल्ड मदर की होगी या वर्ल्ड फादर की होगी, पहले मदर है या मदर से पहले फादर है, तो पहले फादर की पहचान होनी चाहिए। वो है जगत पिता, वर्ल्ड मदर है जगत माता, नाम है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी अम्बा, शिव बाप है, वो बापों का बाप है, उसका कोई बाप नहीं। तो वो पहले पहले किसका आधार लेता है? जो शिव बाप है उसको अपना शरीर नहीं है, इस सृष्टि में आने समय उसको पहले पहले प्रकृति का पुतला चाहिए। वो कौन है? वो ही जगदम्बा है।
गीता माता की बुद्धि में कृष्ण बच्चे की छाप कैसे पड़ी? माता की बुद्धि में तो पति की छाप होनी चाहिए, बच्चा तो बाद में पैदा होता है। परंतु ये माया रावण है, माया रावण सब कुछ उल्टा पलटा कर देता है। बुद्धि ही उलट जाती है, द्वापर कलयुग दुनिया में ये माया रावण आता है। पांच विकार आते हैं, पांच विकारों के आधार पर बुद्धि विकृत हो जाती है। माता में सबसे बड़ा विकार जागृत हो जाता है मोह का। मोह के कारण वो समझती है ये बच्चा ही मेरी परवरिश करेगा, बाप तो बूढ़ा निष्क्रिय हो जाएगा। यज्ञ के आदि में भी दो माताएं थी, एक भारत माता और एक जगत माता। बाप जब आते हैं तो किसका आधार लेते हैं? भारत माता का आधार लेते हैं या जगत माता जगत पिता का आधार लेते हैं? है? जगत माता और जगत पिता का आधार लेते हैं। पहले सुनने सुनाने का काम करना पड़े या पहले समझने समझाने का काम करना पड़े? तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन जगदम्बा के द्वारा पड़ता है। सुनने और सुनाने वाली बुद्धि श्रेष्ठ है या सुनने सुनाने के साथ साथ समझने और समझाने वाली बुद्धि श्रेष्ठ है? सुनना और सुनाना ये है भक्ति मार्ग, और समझना और समझाना है ज्ञान मार्ग। उस ज्ञान मार्ग में भी दो छेड़े हैं, एक समझना और समझाना और दूसरा है प्रैक्टिकल जीवन में लाना। ज्ञान समझ लिया समझा लिया, सुन लिया सुना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आया तो राम का ज्ञान है या रावण का ज्ञान है? रावण का ज्ञान हो जाता है। तो फाउंडेशन भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में ही फिर ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है। भगवान सिर्फ भारत में आता है या सारे जगत के बीच आता है? है? भारत में आता है। भारत में तो आता है,
लेकिन भारत में भी तब आता है जब सारा जगत मौजूद होता है। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में जब दुनिया की आबादी 10 करोड़ होती है तब आता है, वहां सिर्फ भारत माता है। उस समय जगत माता का बोलबाला नहीं कहेंगे, जगत कहा जाता है 500-700 करोड़ को। तो जब 500-700 करोड़ की दुनिया बनती है तो 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच वो निराकार बाप सिर्फ भारतवासियों के बीच आता है, और भारतवासियों के बीच में भी सिर्फ उनमें पहले प्रत्यक्ष होता है जो भारत ज्ञान की रोशनी में रत रहते हैं, जिनका नाम पड़ता है भारत। दुनियावी अज्ञान की बातों में जिनकी बुद्धि रमण करती रहती है भगवान के आने के बावजूद भी, वो भगवान बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। जैसे कि भगवान बाप उनमें आता ही नहीं, वो है कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। तो जगत का भी महत्व है और भारत का भी महत्व है। जगत की आत्माएं मुक्ति प्राप्त करती हैं और भारतवासी जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो मिक्स हैं, भारतवासी भी बन करके रहते हैं और द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। जगत में मिक्स हो जाते हैं, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भगवान की बनाई हुई नई दुनिया में आती तो हैं, परंतु राजपद पाती हैं, राज परिवार में आती हैं या प्रजावर्ग में आती हैं? प्रजावर्ग में आ जाती है। इसलिए वो हैं जगदम्बा की औलाद। जगदम्बा है चंद्रवंश का भी और जगत पिता है सूर्यवंश का भी, दोनों रुद्रमाला के मणके हैं। एक है फर्स्ट नंबर का मणका और दूसरा है लास्ट नंबर का मणका। दोनों ही मणके भगवान बाप के अति नजदीक है। तो जरूर ये दृढ़ता की बात है उस दृढ़ता के कारण बाप की आत्मा बच्चे में जाती है, बाप अपनी सारी जीवन की कमाई हुई मिल्कियत किसको देता है? बच्चे को देता है। तो बच्चे में बाप की आत्मा जाती है, माँ उसे फालू कर लेती है। जब बाप की बुद्धि सारी बच्चे में जा रही है तो मां की बुद्धि भी कहां जाएगी? बच्चे में ही जाएगी।
तो कृष्ण बच्चे की छाप गीता माता के ऊपर पड़ जाती है। ये मधुबन है या मिनी मधुबन है? क्या है? मिनी मधुबन। एक होता है मधुबन, एक होता है मिनी मधुबन और एक होता है महामधुबन। तो ब्राह्मणों की दुनिया का महामधुबन कौन सा है? वो बेहद का बनारस है, जहां से ज्ञान का बना बनाया रस निकलता है। वो भोपाल से निकलता है कि सीहोर से निकलता है या कंपिल से निकलता है? कहां से निकलता है? कंपिल। और कंपिल फर्रुखाबाद में है। मुरलियों में फर्रुखाबाद का नाम आया है या कंपिल का नाम आया है? हैं? फर्रुखाबाद का नाम आया है। कंपिल भी फर्रुखाबाद में ही है, तो वो चाहे फर्रुखाबाद हो चाहे कंपिल हो, वो मालिक का घर है। वो विश्व का मालिक बाप है। तो बाप के घर में जब तक आत्मा जन्म नहीं लेगी तो भट्टी कैसे पूरी मानी जाएगी? जैसे लौकिक जीवन में 9 महीने की भट्टी होती है, आत्मा पुराने शरीर छोड़ती है तो नए बाप के घर में जाकर के जन्म लेती है। जन्म लेने से पहले 9 महीने की भट्टी में पकना पड़ता है या नहीं पकना पड़ता है? 9 महीने भट्टी में पकते हैं तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है या दाना पानी बाहर से मिलता है? है? टूट जाता है। ऐसी ये भी बेहद की भट्टी है जो बाप के घर में होती है। इस भट्टी में पके बगैर कोई बाप का बच्चा नहीं बन सकता। फिर बच्चे बनते भी हैं, बाप के घर में बच्चा जन्म भी लेता है और कोई कोई मर भी जाता है। कोई बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई बच्चे पैदा होने के बाद मरते हैं, कोई लंबे समय तक चलने के बाद मरते हैं। अगर खुदा न खास्ता मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? फिर भट्टी करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? हैं? करनी पड़े। दोबारा भट्टी करेंगे तो बाप के बच्चे बनेंगे। और टीवी में दृष्टि लेते हैं, तो चित्र को रोक देते हैं। अगर दृष्टि लेते हैं टीवी में, दृष्टि लेने के लिए चित्र को रोकने की जरूरत है? टीवी को रोकने की जरूरत है? है? नहीं? तो गलत लिखा है।
कि दृष्टि लेने के लिए टीवी रोकने की जरूरत है। टीवी रोके बगैर भी दृष्टि ले सकते हैं। हाँ, वो जड़ चित्र है, भले चल चित्र है, जड़ टीवी का चित्र होने के कारण जो चैतन्य में वाइब्रेशन मिलता है वो वाइब्रेशन टीवी से नहीं मिल सकता। इसलिए मुरली के लिए भी बोला है, ज्ञान मुरली भी तीन प्रकार की है, एक कागज की मुरली थर्ड क्लास, टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं वो सेकंड क्लास, टीवी में सुनते हैं गुड सेकंड क्लास, और डायरेक्ट सुनते हैं तो फर्स्ट क्लास। दृष्टि का भी ऐसे ही है। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक कहा जाता है ज्ञान को। हाँ जी, कृष्ण को बच्चा है, नारायण से बड़ा है। हाँ, बच्चा तो महात्मा होता है लेकिन उसमें कोई विकास नहीं होते है, लेकिन नारायण से बड़ा है लेकिन नारायण की कोई गिरानी क्यों नहीं होती, जबकि विकास को बड़े होने पर आती है। हाँ, क्योंकि नारायण तो संपूर्ण का नाम है, जिसमें संपूर्णता है। नारायण, ये नारायण संगम युग का नाम है, यह सतयुग नारायण का नाम है। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में ही जिसका घर है उस नारायण की बात है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में ही रमण करती रहती है, विकारी दुनिया में रमण नहीं करती है। इसलिए कृष्ण बच्चे से भी श्रेष्ठ स्टेज है। बच्चा बुद्धि ज्ञान में रमण नहीं करता है, बल बच्चे में कोई विकार नहीं होता है, इसलिए उसको महात्मा कहा जाता है। वो तो महान आत्मा ही है कृष्ण बच्चा। लेकिन भगवान भगवती का टाइटल नहीं है, नारायण का टाइटल तो भगवान भगवती का टाइटल है। यज्ञ के आदि में जब यज्ञ का विभाजन होता है तो भागीदार कहाँ चले जाते हैं? दोनों भागीदार अलग अलग हो जाते हैं, एक गुप्त हो जाता है और एक दुनिया में प्रत्यक्ष रहता है। जो दुनिया में प्रत्यक्ष रहता है वो और धर्मों की आत्माओं की पालना करता है,
चंद्रवंश से लेकर के सभी विधर्मी विदेशी धर्म वाले कन्वर्ट होने वाले बच्चे उसकी गोद में पलते हैं। जो मुक्त होने वाला भागीदार है दोबारा जन्म लेकर के, जब दोबारा प्रत्यक्ष होता है तो सूर्यवंशी आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बाबा कभी छोटी माँ बड़ी माँ और कभी बड़ी माँ को छोटी माँ बताते हैं, ये क्या कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्लियर कीजिए, अरे सारे जगत की माँ होगी उसे बड़ी माँ कहेंगे या छोटी माँ कहेंगे? वो 500 700 करोड़ का जो भी जगत है सब की माता है। और भारत माता सिर्फ भारतवासियों की माता है, सारे जगत की माता नहीं है, इसलिए छोटी माँ है। अगर परिवार में कोई शांत हो जाए, शांत हो जाए माने शरीर छोड़ जाए, शरीर छोड़ जाए तो संगठन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ये तो दुनिया की रीति रस्म रिवाज है। यहाँ तो पढ़ाई कभी बंद नहीं होती है, अलग अलग नारायणों ने। हाँ ये प्रवृत्ति मार्ग है और उनका निवृत्ति मार्ग है, इसलिए ये अंतर है। बाबा दुनिया से चल जाएगा तो फिर कैसा आएगा है? जहाँ से चलो जाएगा शरीर छोड़ के तो फिर वो कैसा आएगा, कैसे आएगा? दोबारा जन्म लेके आएगा और कैसे आएगा? पापा जैसे आज की दुनिया में देवी के मंदिर में भक्ति की पहली पूजा की नौ, आज की दुनिया में देवी के मंदिर में कुमार की नौ मिनट मतलब भक्ति की पहली दी जाती है, इसकी पहली दुनिया में क्या बकरी क्या करती है, क्या बोलती है? बकरी के मुख से जो आवाज निकलती है वो क्या आवाज निकलती है? मैंने किया। ये मैंपन को स्वाहा करना यही है बकरी की बलि देना। बाबा तुलसी ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको दास दासी का पद मिल गया और उसे आंगन में बिठाई दिया, बेडरूम में अंदर क्यों नहीं रखा? अगर बेडरूम की बातें जो आपस में बातें होती हैं
जो भी धंधा व्यवहार होता है वो कोई बाहर वालों को बता दे तो वफादार कहा जाएगा या बेवफा कहा जाएगा? ये बेवफाई जो वफादार स्त्रियां होती हैं उनके अंदर होती है या वैश्याओं के अंदर होती है? बेवफाई किसके अंदर होती है? वैश्याओं के अंदर बेवफाई होती है। जो सदवा स्त्रियां होती हैं उनके अंदर कोई भी प्रकार की बेवफाई नहीं होती, वो अंदर की बात को बाहर नहीं करती। ऐसा ही कुछ तुलसी ने कर दिया होगा। तो बेडरूम में नहीं बैठाई जाती, पद मीरा दासी का बन जाता है। मंदोदरी को मंद बुद्धि कहते हैं। तो बाबा मंदोदरी के पुत्र को क्यों नहीं जलाते हैं? नाम क्या है? मंदोदरी, मंद शरीर वाली या मंद उदर वाली है? मंद उदर, उदर माने पेट। जिसका पेट मंद बुद्धि वाला है वो मंदोदरी शरीर से पवित्र थी या अपवित्र थी? रावण की ही बन करके रही या कोई और की बन करके रही? है, रावण की ही बन करके रही। तो शरीर उसका पवित्र रहा या अपवित्र कहा जाएगा? सदवा है या विधवा है? सदवा है। शरीर से जो पवित्र रही उसका बुत क्यों जलाया जाएगा? रावण पुरुष का नाम है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, इसलिए उनका बुत जलाया जाता है। मंदोदरी का बुत नहीं जलाया जाता। बाबा मुरली में बोला सतयुग में पांच विकार नहीं होते हैं, फिर अभी ये द्वापर कलयुग में पांच विकार कहां से फैल गए? सतयुग त्रेता में अपन को आत्मा समझते हैं या देह समझते हैं? तो वहां विकार नहीं होते हैं। जब देह समझते हैं द्वापर युग से तो विकार आता है। अपन को जब हम देहवान में रखेंगे तो विकार पैदा होगा, और अगर आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो विकार पैदा नहीं हो सकता। हम अपन को देह रूप में देखेंगे और दूसरे को देह रूप में देखेंगे तो आकर्षण पैदा होगा, काम विकार पैदा हुआ। अपन को देह के रूप में देखेंगे पहलवान हूं, दूसरे को देखा बहुत कमजोर है फिर भी मेरे को गालियां देता है, उल्टा पल्टा बोलता है, मैं राजा का लड़का हूं,
ये भिख मंगा है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सूत्र है, भंगी है, तो क्रोध पैदा होता है नीच ऊंच के कारण। या कोई कामना की पूर्ति नहीं होती है तो भी क्रोध आता है, लोभ कब आता है, लोभ भी तब आता है जब देह के रूप में देखते हैं। कोई भी विकार हो उस देह के विकार के मूल में छिपा होता है देह अभिमान। अगर देहवाणी नहीं आएगा तो विकार भी नहीं आएगा। मोह भी तब पैदा होता है जब देह के रूप में देखते हैं, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का कनेक्शन काहे से है, दूसरे की देह से है या मेरी देह से है, मेरी देह से। तो देह समझने से ही विकार पैदा होते हैं। अहंकार भी देह के कारण आता है। तो द्वापर युग में देह समझने की भूल हो जाती है। सत्युग त्रेता में देह के सुख भोगते भोगते अपन को देह समझने लग पड़ते हैं द्वापर से। आत्मिक स्थिति भूल जाती है और पांच विकारों का प्रवेश हो जाता है। बाबा भक्ति मार्ग में जैसे किसी के अंदर देवी जी आती हैं, काली जी आती हैं, कौन आते थे सब में आती हैं कि झूठ का नाटक करते हैं? आप पूछते हैं बेसिक ज्ञान लेने के बाद, एडवांस ज्ञान लेने के बाद, इसका मतलब आपने अभी फैसला नहीं कर पाया है ये देवताओं की दुनिया है या राक्षस राक्षसियों की दुनिया है। ये दुनिया किसकी है? तो यहाँ देवी देवताएं कहाँ से आई? जो भी अकाले मौत में मरते हैं वो सब राक्षस संप्रदाय है, भूत प्रेत बनते हैं। और जो भूत भूतनियां बनती हैं वो झूठ नहीं बोलेंगी तो सच्चा बोलेंगी क्या? झूठ बोलते हैं प्रवेश करके कि मैं देवी हूं, मैं काली हूं, मैं दुर्गा हूं, मेरी पूजा करो। कलयुग की दुनिया में देवी देवताएं कहां से आ गए? बाबा घूमते रहते हैं। बाबा सत्युग में बाल होंगे या नहीं होंगे? अगर सत्युग में बाल होंगे घुटमुंडा तो नहीं होंगे। नारायण नारायणी को बाल तो दिखाए जाते हैं, तो वहां कंघी होगी कि नहीं होगी? ये कंघी से सफाई बालों की तब करनी पड़ती है जहां धूल धाकड़े की दुनिया होती है। वहां धूल धाकड़ा होगा? धूल धाकड़ा तो होगा ही नहीं, तो कंघी की दरकार ही नहीं है। वहां तो जगह जगह स्वच्छ झरने बह रहे हो, उन झरनों में स्नान करने से बाल ऑटोमेटिक साफ होते हैं। आज का पानी गंदा पानी, मैला पानी मिलता है या स्वच्छ जल मिलता है? गंदा पानी मिलता है, उसमें कपड़े भी साफ नहीं होते हैं, पीले पड़ जाते हैं, गंदले हो जाते हैं, साबुन लगाना पड़ता है,
सर्प लगाना पड़ता है, वहां तो पानी भी बड़ा स्वच्छ होगा। इसलिए ये कंगी आदि की वहां कोई जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग में जो सुन्नी मुसलमान होते हैं उनके बारे में सुना है कि नहीं सुना है? है? सुना है नहीं सुना है तो आपस में तानाफूसी करके सुन लेना। वो मुसलमान कौन सी इंद्रिय से ज्यादा पाप कर्म करते हैं? काम इंद्रिय से पाप कर्म करते हैं पुरुष लोग, और पाप करके जोर जबरदस्ती करके दुख देते हैं। तो जब जब जन्म लेते हैं उनकी इंद्रिय काटी जाती है। ये तो एक मिसाल दिया है। ये संगम युग की बात है। संगम युग में भी जो जिन इंद्रियों से दुख देंगे उनकी वो इंद्रियां धर्मराज काटेंगे। इसलिए बोला है कि ऐसे नहीं समझना कि सूक्ष्म शरीर से सजा भोग लेंगे, नहीं स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। नहीं तो बेसिक वाले ब्राह्मण समझ लेंगे कि जैसे मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया हम भी शरीर छोड़ देंगे, कैसे हमें धर्मराज की सजा मिल जाएगी? अरे शरीर भले छोड़ देंगे, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ना, तो सूक्ष्म शरीर भी कोई शरीर में प्रवेश करके कार्य कर सकता है, सुख और दुख भोग सकता है। ऐसे साकार शरीर धारण करा के सजा देंगे। ये मुरली में माँ बाप की नहीं है, नहीं दुर्योधन दुशासन सब पुरुष हैं या स्त्रियां हैं? तो पुरुष नंगन करने का धंधा करेंगे या स्त्रियां पुरुषों को नंगा करने की धंधा करेंगी? हाँ कोई कोई स्त्रियां सुपनखा पूतना होती है, तो जो सुपनखा पूतना होती है वो पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, उनके लिए हो सकता है। ये तो मुरली में नहीं बताया, पहचान के लिए बता दिया गया। एक छोटी माँ एक बड़ी माँ, ज्यादा बच्चों से जिसका कनेक्शन होता है वो बड़ी माँ, और थोड़े बच्चों की जो पालना करती है वो छोटी माँ। हाँ बाबा ने मुरली में ये इशारा जरूर दिया है कि उनके फोटो इन दीदी दादियों के पास भी है, इनके जो यज्ञ के आदि में मुखिया थे उनके,
ऐसे ऐसे बच्चे वो मम्मा पापा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। उनके फोटो इन दीदी दादियों के पास भी, लेकिन वो छुपाए रखे बैठे हैं। जब टाइम आएगा, आपस में विघटन होगा, जैसे रामायण में कहा है कि रावण संप्रदाय आपस में ही लड़ मरे, तो वो चित्र भी सामने आ जाएंगे। बाबा, बच्चे जितना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, माया उतनी तीव्रता से लड़ती है। ऐसा क्यों होता है? अभी 2500 वर्ष की रील घूमती है या नहीं घूमती है? है? शूटिंग पीरियड चल रहा है तो शूटिंग में ये रील घूमती रहती है। प्रेक्षक जन्मों में जन्म बाई जन्म जो भी नया जन्म आता गया, हम ज्यादा पाप करते आए हैं या कम पाप करते आए हैं? है? उत्तरोत्तर ज्यादा पाप करते आए हैं। अभी भी रील घूम रही है तो हमारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? पाप कर्म बढ़ रहे हैं और बाबा ने माया को डायरेक्शन दिया है कि जो बच्चे श्रीमत के खिलाफ ज्यादा पाप करते हैं उनको माया तुम खूब फटकाओ। तो पुरुषार्थ भले ज्यादा करें, लेकिन अगर पाप भी ज्यादा करते हैं तो पुरुषार्थ का पलड़ा हल्का हो जाता है। क्योंकि 100 गुना पाप चलता है यहाँ। द्वापर कलयुग में जो पाप करते थे वो 1 गुना पाप चलता था। बिन मांगे सब कुछ मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न धूर। कर्मों के हिसाब से प्राप्ति होती है कि कर्म की थ्योरी झूठी है? है? मांगने के हिसाब से प्राप्ति होती है या कर्म बंधन के हिसाब से प्राप्ति या दुप्राप्ति होती है? कर्मों का हिसाब किताब प्रबल है, इसलिए मांगने की बात नहीं है। अगर मिलना होगा तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाएगा और सारी जिंदगी भीख मांगते रहे तो भी मांगने से प्राप्ति नहीं होती। भगवान से 63 जन्म मांगते रहे, प्राप्ति हुई क्या? नहीं प्राप्ति हुई। और इसे 1 ब्राह्मण जन्म में भगवान आकर के कर्म विकर्म की थ्योरी समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में ये थ्योरी बैठ जाती है, कर्मों का हिसाब किताब बैठ जाता है, उनको बिना मांगे ही भगवान से सब कुछ मिलता है। इसलिए ये गायन पड़ा है, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न धूर।
भगवान मांगने से देता है या कर्म करने से देता है? और भगवान तो कुछ देता भी नहीं, किसी से कुछ लेता भी नहीं, उसने तो हिसाब बता दिया है, थ्योरी बता दी, ऐसा करने से ऐसी प्राप्ति होगी, वैसा करने से वैसी प्राप्ति होगी, तो मांगने की बात ही नहीं रहती।